हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान किचन टिप्स शेयर करूंगी, वो भी बहुत आसान टिप्स के साथ में। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्याज को आसानी से कैसे काटे उसका तरीका बताऊंगी। तो प्याज को काटने से पहले हमेशा धुल लेना चाहिए, और बारिश में तो ज़रूर ही धुल लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें ब्लैक कलर का फंगस टाइप का लग जाता है। और फिर धुल के फिर इसका ऊपर का सिरा जो वाइट कलर का होता है उसको कट करके निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है और सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो देखिए इसको हमने निकाल दिया जो वाइट कलर का सिरा है, और दूसरी और प्याज ली है उसको भी हमने धुल के उसका पहले ऊपर का सिरा ऐसे तरीके से निकाल लेंगे, और फिर इसको हम स्लाइसेस में काटेंगे। तो बीच से इसको कट कर लेंगे, और चाकू से ही देखिए इसके कितने अच्छे से स्लाइसेस कट के तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप आलू के पकौड़े जब बनाते होंगे तो आलूओं को काटते होंगे, तो इस तरीके से एक बार प्याज के भी पकौड़े आप लोग बना के देखिएगा। इस तरीके से स्लाइसेस में काट के उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको पकौड़ों के लिए प्याज काटनी हो या सलाद के लिए काटनी हो, तो आप उसको पहले धुल लीजिएगा, फिर उसको अगर आप काटेंगे तो आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो देखिए हमारे प्याज कट के तैयार है, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, इसकी स्लाइसेस कितनी अच्छी हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं।